पूछा गया है, अगर उसका संतोषजनक प्रभाव नहीं आएगा तो फिर पार्टी आगे कार्रवाई करेगी। कार्रवाई मतलब एक्सपेल भी कर सकते हैं? एक्सपेल भी हो सकता है। फैसला जो हम लोगों ने किया वो यही किया कि पहले तो उनको अंडर सस्पेंशन रखा जाएगा और 3 दिनों के बाद अगर उनके जवाब नहीं आए तो हम लोगों को मजबूरन फैसला लेना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पटियाला से जो सांसद आती हैं परनीत कौर जी, उनको सस्पेंड कर दिया है। कांग्रेस डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर तारिक अनवर जी हमारे साथ हैं। सर, आप लोगों ने परनीत कौर जी को सस्पेंड क्यों किया? देखिए, परनीत कौर जी के बारे में काफी दिनों से शिकायतें आ रही थी कि वो पार्टी विरोधी कार्य में लिप्त हैं और हमारे पंजाब के पीसीसी प्रेसिडेंट, वहाँ सीएलपी लीडर प्रताप भाजवा और वहाँ से बहुत सीनियर लीडर आते हैं रंधावा जी, उन सब का संयुक्त रूप से उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को ये शिकायत की थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों में, कार्यक्रमों में वो लिप्त हैं, वो उसमें शामिल हो रही थी। तो जो पार्टी विरोधी कार्य के बारे में लगातार शिकायत आ रही थी, तो इसलिए जो हमारी अनुशासन समिति है उसकी बैठक हुई और उसमें हम लोगों ने आम राय से फैसला किया है कि उनको अभी फिलहाल सस्पेंड किया जाए और 3 दिनों का उनको समय दिया गया है। 3 दिनों के अंदर वो जो उनसे शो का पूछा गया है, अगर उसका संतोषजनक जवाब नहीं आएगा तो फिर पार्टी आगे कार्रवाई करे। कार्रवाई मतलब एक्सपेल भी कर सकते हैं? एक्सपेल भी हो सकते हैं। तो अगर वो सिचुएशन आ जाती है एक्सपेल करने की, तो उसके बाद क्या क्या आप स्पीकर को भी लिखेंगे लोकसभा के? जाहिर, जब हम पार्टी से उनको एक्सपेल कर देंगे तो हमारे जो फ्लोर लीडर हैं वो स्पीकर से संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे कि शी इज नो मोर इन द कांग्रेस पार्टी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उसके अंदर सस्पेंड जब आपने किया तो तब उन्होंने कुछ जवाब दिया था? आपने कुछ नोटिस तो पहले भी दिया होगा जब कंप्लेंट आई थी कांग्रेस के जो पंजाब के चीफ? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया हम लोगों ने। पहला नोटिस हम दे रहे हैं उनको और शिकायतें जरूर आ रही थी और लेकिन हम लोगों ने नोटिस नहीं दिया था। अभी पहला फैसला जो हम लोगों ने किया वो यही किया कि पहले तो उनको अंडर सस्पेंशन रखा जाएगा और 3 दिनों के बाद अगर उनके जवाब नहीं आए तो हम लोगों को मजबूरन फैसला लेना पड़ेगा। तो क्या नेचर था कंप्लेंट्स का? क्या एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रही थी? कुछ बताया आपकी स्टेटमेंट? ये कोई छुपा हुआ नहीं है, बात सार्वजनिक हो चुका था कि उनके पति देव अमरिंदर सिंह जी वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और चुनाव भी लड़े थे, लड़वाया था उन्होंने, अपनी पार्टी बनाई थी उस समय, फिर बाद में मर्जर हुआ उसका। तो वो लगातार उनके साथ उन कार्यों में शामिल रही हैं, तो शिकायत आई थी लेकिन जब काफ़ी गंभीरता से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों ने इस बात को उठाया तो कांग्रेस अध्यक्ष का ये निर्देश आया कि आप अनुशासन समिति इस पर कार्रवाई करें। तो मतलब कि ये था कि वो हैंड इन ग्लव है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ, कि मतलब वो हैंड इन ग्लव है कैप्टन अमरिंदर सिंह? बिल्कुल। अब लगता है, जाहिर है कि उन पर खुद भी परिवार का दबाव होगा, फैमिली का दबाव होगा, तो इसलिए वो क्या फैसला वो लेगी वो तो वो जाने, लेकिन जो शिकायत आ रही थी उनकी उसके अनुसार हम लोगों ने कार्रवाई की। और अगर वो 3 दिन में जवाब नहीं देती है फिर क्या? तो पार्टी से एक्सपेल्ड किया जाएगा उनको, और तो कोई दूसरा हमारे पास विकल्प नहीं है। ऐसा कभी पहले हुआ कि पार्टी से इस तरीके से किसी सिटिंग एमपी को सस्पेंड एक्सपेल किया गया? क्या हो गया होगा वो याद नहीं है, पहले भी इस तरह की कार्रवाई होती रही है, अनुशासन की कार्रवाई तो होती रही है। सस्पेंशन तो कई लोगों का हुआ है, एक्सपेंशन भी हुआ होगा, लेकिन वर्तमान सिटिंग एमपी का हुआ कि नहीं वो इस पर मैं दावे से कुछ नहीं कर सकता। बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। कांग्रेस पार्टी एक संदेश जो है वो देना चाहती है, जो कि पहले भी तारिक अनवर जी से हमारी बात हुई थी, वो ये थी कि डिसिप्लिन मैटर्स, सबको डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा पार्टी के अंदर। सही है, अनुशासन तो बहुत जरूरी है ना किसी भी पार्टी के लिए, और चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, पार्टी में उसकी जो भी हैसियत हो,
लेकिन अगर अनुशासन पार्टी के अनुशासन को अगर नहीं मानता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो। तो यही बड़ा मैसेज है पार्टी की ओर से पूरे देश भर के अपने नेता और कार्यकर्ताओं को कि इनटॉलरेंट बिहेवियर जो है, जो इनडिसिप्लिन है, उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जो इनडिसिप्लिन है उसको अगर कोई करेगा, एक लाइन को ब्रीच करेगा, उसके बाद जो है इसी तरीके से कड़े फैसले लिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे पंजाब के, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी पत्नी है महारानी परनीत कौर, सिटिंग एमपी है पटियाला से, और उनको इस समय जो है पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है, 3 दिन का नोटिस दिया है और कहा है कि अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो हम आपको पार्टी से 3 दिन बाद एक्सपेल भी कर देंगे, और उसके बाद जो है लोकसभा के स्पीकर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, यानी कि इनकी मेंबरशिप खत्म की जाए। यही बात है सर, मेंबरशिप खत्म होगी ना उनकी, उनको आप इन्फॉर्म कर देंगे, यही मांग करेंगे स्पीकर के पास। हाँ, वो काम हमारे जो फ्लोर लीडर है वो करेंगे जी। तो यही बड़ी खबर है इस समय दिल्ली से। कैमरा पर्सन सत्या के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज।